आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। अब मैं बता दूं, अपने नए व्लॉग के लिए मैं जा रहा हूं, कल मुक्तेश्वर जा रहा हूं। मैं मुक्तेश्वर धाम के दर्शन करके आएंगे भोलेनाथ जी के, और हम वहां के आसपास के एरिया को भी थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। जैसे बीच में भीमताल आएगा, या कोई वाटरफॉल आएगा, या कोई झील आएगी, और फिर नेचुरल ब्यूटी तो है ही। तो हमने हमारी पैकिंग स्टार्ट कर दी है, आप देख सकते हैं। देखो Hey guys. ये देखो हमारे कपड़े, और अब हम पैक करेंगे। सामान को पैक करने के बाद फिर सुबह जब चलेंगे तो फिर कंटिन्यू करेंगे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और ये सुबह के 4 बजे हम उठ लिए हैं अपने सफ़र पे रवाना होने के लिए। अभी रेडी सेडी होके विद इन 1 आवर्स हम यहाँ से निकल लेंगे। और मौसम थोड़ा क्लाउडी हो रखा है, बस धुंध नहीं मिल रही थी। धुंध मिलेगी तो हमें फिर लेट हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। गाइस हम निकल लिए दिल्ली से, और ये सुबह का टाइम हो गया है 6:25। अभी यहाँ से देखो कितना टाइम लगेगा जाने में। अगर रास्ते में फॉग मिलेगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, नहीं तो गूगल के हिसाब से तो 7 घंटे लग रहे हैं मुक्तेश्वर के। अपडेट करते रहेंगे आपको बीच बीच में। स्टे ट्यून टू माई यूट्यूब चैनल। लो भाई, पहाड़ी एरिया आ गया। सवेरे 6 बजे चल रहे थे, 6 घंटा के बाद आ गए और हम पहुँचे हैं कोटखोदाम। है अब यहाँ से 50-60 किलोमीटर रह गया मुक्तेश्वर। बीच में एक वाटरफॉल आएगा, भीमताल भी आनी अभी 20-30 किलोमीटर बाद। बढ़िया मौसम साफ हो गया बिल्कुल। यह आएगी भीमताल लेक, किधर है नैनीताल, पैमीताल में भीमताल आएगा थोड़े सा आगे। देखो कती खाली पड़ी है, कोई ट्रैफिक नहीं, बोट भी खाली है। तीनों खास हम आए हैं जब खाली हो रहे हैं, नहीं मेरा बढ़िया है। भीमताल की लेक मुक्तेश्वर। और ये आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये है हमारा IVRI का गेस्ट हाउस। 1893 का कैंपस है IVRI मुक्तेश्वर का, और मतलब बिल्कुल विंटेज
ये देखो बिल्कुल विंटेज लग रहा है, और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। दिल्ली से आने के बाद तो ऐसा लग रहा है जैसे हवा में ही जान है यहाँ पे तो पूरी। देखो भाई कितना मस्त कैंपस है, बिल्डिंग देखो, और ये देखो भाई, दो दिन ही रुकेंगे, बढ़िया मजे लेंगे, आसपास का एरिया घूम के आएंगे। देखिए गाइस ये है IVRA का गेस्ट हाउस, लिंगार्ड गेस्ट हाउस। लिंगार्ड वाला था फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ IVRA मुक्तेश्वर, और जब ये कैंपस बना था उस टाइम पे ये गेस्ट हाउस जो देख रहे हो आप, ये उसका डायरेक्टर का पर्सनल बंगला था, इसको अब गेस्ट हाउस में कन्वर्ट कर दिया है। और मतलब इसको देख देखने में भाई साहब एक नंबर का बिल्कुल। ये देखो ये डाइनिंग रूम है, वर्क देखो आप वुडन का कितना मस्त वर्क कर रखा है इन्होंने, और एक कती कती मतलब सॉलिड। ये देखो कमरे में देखो प्रकृति विंटेज लगा देखने में। आ जाओ ऊपर ले आओ, मैं नीचे रख लूंगा, रखवा दो रखवा दो उधर। ये देखो भाई FRI का कैंपस ही दिखा हमने सामने से कितना है, यो कैंपस बहुत दूर है थोड़ा, और FRI देहरादून में है, इसका कैंपस इतना जबरदस्त है भाई, पूरा कैंपस का टूर कराएंगे तुम्हें। यार हम आ तो गए मुक्तेश्वर में, करांगे क्यों आके कुछ देखने का को नहीं भाई एक मुक्तेश्वर धाम मंदिर है उसमें तड़के जावांगे, बाकी हम तो मेनली इसलिए आए हैं ये हमारे साथ का बंदा एक IVRA में लगा हुआ है, तो IVRA का तो कैंपस है बड़ा मस्त है, उसमें स्टे कर रहे हैं हम, बड़ा मजा आ रहा है, हालांकि शांति है बिल्कुल बिल्कुल शांति है। दिल्ली से अगर आप निकलोगे तो आपको लगेंगे 7 घंटे ट्रैफिक ना हो तो। ये देखो भाई ये हमारा ड्राइवर था, बहुत बढ़िया गाड़ी चला के लाया, पहाड़ में पहली बार ड्राइविंग एक्सपीरियंस था इसका, और ये इसकी घरवाली से है इसका दोस्त, इसका सारा बैठी थी या गनी डर रही थी, और ये हमारी घरवाली से है। नमस्कार भैया ने, और हट जा थोड़ी, यह है भाई मुक्तेश्वर की मार्केट, छोटी सी मार्केट है, हम आए थे कुछ खान पीन रहे, बाकी देखते हैं कुछ खाने का मिलेगा तो अभी, और यो हमारा नया दोस्त बन गया उरे कालू, और ये हम बैठे हिल्स के ऊपर बिल्कुल, यो देखो भाई माउंटेन व्यू, बादल बन रहे हैं, स्नोफॉल हो जाते देखो, और कल सुबह हम जाएंगे मुक्तेश्वर टेम्पल में दर्शन करने, अभी आए थे थोड़ा सा घूमने के लिए मार्केट की साइड, कुछ खान पीन का मिल जाता तो, बाकी कुछ मिला नहीं, अभी देखेंगे थोड़ी देर में, और नज़ारा बड़ा ज़बरदस्त आ रहा, देखो पहाड़ी पहाड़, शांति एक नंबर की है भाई, कोई भीड़ नहीं। सेलिब्रेशन स्टे होम पे हमने भाई साहब चाउमीन ऑर्डर करी,
और यो केसर है, थुक्पा है भाई, यो सूप सा है। चाउमीन के दो चार दाने से गेर कर पानी मिला दिया, मंत्र मिला बाकी टेस्ट ठीक है थोड़ा, चाउमीन अच्छी भाई इनकी। बाकी इन दो के अलावा कुछ बोलिया, कुछ खाने का मिला नहीं हमने। लो भाई यो है कैंपस, बिल्कुल शांत, दूर दूर तक कोई नहीं दिखे। उरे शांति चाहिए, दवाई मुक्त से आ जाओ, कति मुक्त हो जाओ। बड़क से क्या शॉर्टकट ढूंढ रहे हो गे? शॉर्टकट वहीं का थोड़ी है यो। अरे नहीं, लॉन्ग कट से चलेंगे यार। क्या रखा है शॉर्टकट में? बनाने का तरीका देखो जहाँ कितना मस्त देखने भी लागे, मतलब ऐसा विंटेज टाइप पूरा का पूरा। थोड़ा डिफरेंट सा लग रहा है। हेलो भाई, ये देखो अंगीठी जला ली है कमरा के अंदर ही, फुल स्वाद ले रहे हैं, कती एक नंबर का माहौल हो रहा है। ठंड है, ठंड तो अपने नीचे भी थी, पूरे बर्फ पड़ने के पूरे आसार हैं। आए बर्फ का चक्कर में पड़ जाएगी तो ठीक है, नहीं पड़ेगी तो भी अपने तो दो तीन दिन पूरे स्वाद लेके जाओ। बढ़िया मस्त बन रहा है कमरा, अंदर ही अंगीठी है, ये देखो दो तीन कैंडिडेट हमारे बैठे हैं उधर। अरे वो भाई साहब पूरा न्यू, कितनी अंग्रेजा जमाने का भाई साहब पूरे हो गए। ये हमारा डाइनिंग हॉल है और आज का हमारा डिनर आ गया है। ये हमारा हरा साग है, केस में खोल के दिखाए। ये आलू की सब्जी, दाल, ले भाई सलाद भी आ गई, रोटी भी आ गई और खाने वाले भी आ गए। हमारी थोड़ा एक मुर्गा बनवाया था तो मुर्गा भी आने वाला है। देखो भाई मस्त है, थोड़ा डाटा घना हो रहा है, मुर्गा मुर्गा खा लेना चाहिए, मना बिगड़ता। मॉर्निंग गाइस, ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, बढ़िया पराठे दही अचार और ये खूबसूरत धूप और इस जगह के साथ बैठ के अब हम ब्रेकफास्ट करेंगे।
ये भाई मुक्तेश्वर टेंपल पे चढ़ रहे हैं और ये सामने आ गया हमारा मुक्तेश्वर टेंपल, मुक्तेश्वर धाम। ये देखो भाई मुक्तेश्वर धाम के ऊपर आ गए हम बिल्कुल ही। ये अपना मुक्तेश्वर धाम मंदिर है, भोलेनाथ ने यहाँ पे किसी राक्षस को मुक्ति दिलाई थी तो इसका नाम मुक्तेश्वर पड़ गया था। थोड़ी देर में हम आ जाएंगे साइड पॉइंट के ऊपर।